रेनबो सेवन चैनल की ओर से कूल कूल एवं सतरंगी नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमारी भविष्यवाणी यानी स्नोफॉल की प्रिडिक्शन है वो सत्य साबित होने जा रही है। जी हाँ, ये नज़ारा है सोलांग वैली के रास्ते का। हम सोलांग वैली स्नोफॉल को लाइव करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा आपको सोलांग वैली से ऊपर से गिरती हुई स्नो आपको बहुत ही प्रफुल्लित हर्षित कर रही है। बहुत ही पर्यटक है वो एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी पर्यटक आए हुए हैं, सैलानी आए हैं, वो गाड़ी लेकर सोलांग की ओर चल रहे हैं और उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम भी हो गया है। बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको यहाँ सोलांग वैली में देखने को मिलेगा और मेरी प्रेडिक्शन लगातार 100% रिजल्ट दे रही है और आपका सहयोग भी निरंतर बन रहा है। ऐसे सुंदर नज़ारे में लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही होगी। आप यदि घर बैठे देख रहे हैं तो आपको भी बहुत ही खुशी हो रही होगी। कमेंट कीजिए और मैं लगभग सभी कमेंटों का, जितने भी आपके प्रश्नोत्तर आते हैं, उनका जवाब देता हूँ। शायद ही ऐसा होगा जिसका जवाब नहीं दिया है। सब 100% रिकॉर्ड है और स्नोफॉल का जितने भी प्रिडिक्शन किए, जितनी भी भविष्यवाणी किए, उनका भी हमारा 100% रिकॉर्ड रहा है। इसलिए अब मार्च का महीना है, अगली स्नोफॉल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगली स्नोफॉल कब होगी, तो उसका मैं बता दूं, मैं अभी नज़र बनाए हुआ हूँ मौसम पर। जैसे ही मेरे को कंफर्म लगेगा, क्योंकि हम लगभग कंफर्म बताते हैं, मार्च का महीना होने की वजह से टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस वजह से कंफर्म को थोड़ा कंफर्म मैं नहीं मानता, फिर भी लगभग बता जिस डेट को बता रहा हूँ वो कंफर्म सी ही हो रही है। अभी तक हमारा 100% रिजल्ट रहा है और आपका सहयोग भी शानदार रहा है। इसलिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है, ट्रैफिक जाम हो गया है, लगता है यहीं से आपको स्नो पॉइंट से स्नोफॉल आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और मनाली, जैसे ही मेरे को, मैं मनाली का मॉल रोड है, वहाँ यदि स्नोफॉल हो रही होगी तो वहाँ से पुनः लाइव आने का प्रयास करूँगा। बहुत ही शानदार नज़ारे, पर्यटक खुश हो रहे हैं, गाड़ियों के अंदर ही खुश हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा, देवदार के पेड़ से ऊपर से गिरती हुई स्नो आपको विजुअल हो रही होगी। मेरे को तो दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं तो अंकु से देख रहा हूँ और बहुत ही स्नो का मैंने एंजॉय किया है। यदि आपने मनाली आकर लाइव स्नोफॉल देख लिया तो आपकी यात्रा है वो सच हो जाएगी, सफल हो जाएगी, सच्ची हो जाएगी, सफल हो जाएगी। बर्फ़ तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बर्फ़ कब तक मिलेगी। मार्च में, अभी मार्च चल रहा है और आगे भी आपको मेरे हिसाब से अप्रैल तक, आपको अप्रैल के अंत तक गुलाबा में आपको स्नो मिल जानी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इस प्रकार है। ये स्नो स्कूटर का एंजॉय ले रहे हैं, आप भी स्नो के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसका वीडियो में बाद में आई बटन पर लगा दूंगा कि सोलांग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन कितने रेट्स पर होती है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उनको मैं, ये बटन, आई बटन है जो राइट साइड के ऊपर की ओर है, उस पर लगा रहा हूँ, बाद में लगाऊंगा। अभी तो मैं भी खुद एंजॉय ले रहा हूँ, आप भी एंजॉय लीजिएगा। बहुत ही शानदार नज़ारे, बहुत ही आपको प्रफुल्लित करने वाले, क्योंकि पर्यटक जो होते हैं ना, वो गाड़ियों से जैसे रुकती है तो बाहर निकल कर भागते हैं क्योंकि शायद किसी शायद प्रथम बार स्नोफॉल देखने वाले काबू में नहीं रहते। उनका दिल क्या होता है कि बस की बात नहीं होती, वो चले आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। थोड़े ये स्नो पेड़ों के ऊपर जमी हुई है और ऊपर से गिर रही स्नो, फ्रेश स्नो और पुरानी स्नो में अंतर होता है। फ्रेश स्नो एकदम चमक होती है, थोड़ी सी ये वीडियो उसमें पत्तियों पर गिरी थी, वहाँ अभी जमी नहीं है। ऊपर एकदम ये कुरकरे जैसी आवाज़ आती है, चलते हैं ना कुरकरे खाते हैं ना, उसी प्रकार की आवाज़ आपको होती है। ट्रैफिक जाम का वजह है कि मैंने सोलांग वैली का एक वीडियो डाला था, उसको आप देख लीजिए कि ट्रैफिक जाम क्यों होता है यहाँ। कुछ ये स्नो स्कूटर है, उसका राइड का भी एंजॉय लीजिए। ये स्नो में बहुत आसानी से चल जाता है, किराया भी
ज़्यादा नहीं है, आपकी अपनी खुशी के लिए जो खर्च करें ना, वो जिससे खुशी मिलती है उसका किराया ज़्यादा नहीं होता है। आप यहाँ एंजॉय कीजिएगा। सोलांग वैली के बहुत सारे वीडियो हैं। इसके अलावा मैंने कल एक नारला का वीडियो भी अपलोड किया, बहुत सुंदर वीडियो, सुंदर गांव है, उसको ज़रूर देखिएगा। और जैसे ही स्नोफॉल मॉल रोड पर होगा, मैं अभी जा रहा हूँ वापस से और वहाँ से लाइव करूँगा। यदि आपको टैक्सी की ज़रूरत है, होटल्स की ज़रूरत है, तो स्वागतम टूर एजेंसी आपकी सेवा में हाजिर है। उनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए, किफ़ायती रेट पर आपको वो सेवा उपलब्ध कराते हैं। दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, मेरा दबाव नहीं है, लेकिन आपको एक बार उनको ट्राई कर लीजिएगा। यदि आपको रेट सूटेबल जचे तो कीजिएगा। ये शानदार नज़ारे आपको सोलांग वैली के रास्ते से लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार बर्फ़, जैसा मैंने कहा वैसी सोलांग वैली के अंदर, मनाली के अंदर भी चालू हो गई होगी। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, आगे नहीं जा पाऊँगा, इतना ही अब दिखाऊँगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। अच्छा दोस्तों, अलविदा। शायद अभी वापस सोलांग मनाली से आऊँ।